अनुवाद के साथ प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, देखिए क्या है बड़ी खबर। आप दुआ चाहते हैं, आप अपने नेता को सहयोग करिए, प्रशासन को सहयोग करिए। जन विश्वास के तहत औरंगाबाद के गांधी मैदान में आए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। भीड़ के द्वारा न सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ी गई बल्कि कई कुर्सियां भी तोड़ी गई। इस दौरान वहां प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मी भीड़ को देखकर बेबस बनी रही। पुलिस ने कार्यकर्ता को एक दो डंडा लगाया पर भीड़ के कारण पुलिस को शांत रहना पड़ा। भगदड़ में कई महिलाएं भी नीचे गिर गई जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हद तो तब हो गई कि जब सिंबल के रूप में लगा लालटेन को भी कार्यकर्ता ले भागे। श्री यादव के भाषण में निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करा ले। तेजस्वी यादव ने ललकारते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो ऐसा करके दिखा दे। लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में एनडीए का खाता तक नहीं खुलेगा और विधानसभा में भी बुरी तरह हराएंगे। मतलब हर जनता उनको बहुत ज्यादा चाहती है, हर कोई चाहती कि इनको मतलब आगे बढ़ा। हम लोग चाहने का मतलब कुर्सी तोड़ देना, कुर्सी तोड़ना नहीं है। हाँ। लेकिन मतलब उन लोग ज्यादा बेकाबू होगा उनको देखने के लिए के चलते। ये किसकी गलती है? सुरक्षा में कुछ चूक भी हो सकती थी, क्या कहेंगी ऐसे में? हो सकती है लेकिन अब लोग उतना नहीं ना सोचे। उन लोगों को लगा कि मतलब उन लोगों को देखना हमारे बैरिकेडिंग तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दिए तो ऐसे में। हाँ तो लोग गलत तो किया कुछ लेकिन। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम चंचल। कौन पद पर है आरजेडी में? महिला। कैसे हुआ? हम मदनपुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। क्या हुआ? महिला प्रकोष्ठ के मीना देवी नाम है। आज क्या हुआ? आज देखिए हुआ से आप लोग तो देखने की है। नहीं आप बताइए ना। हम बताए। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? इन लोग हलचल मचा दिए सब। हलचल या हुड़दंग? हलचल अलग मचा दिए, कुर्सी तोड़ दिए, हम लोग के जता भी छिपा भी गई है। लेडीज के हम लोग के यही आप लोग अथी दिए ना, बुला के सबके मैंने कितना अथी हुआ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।